द कलर्स टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। हेडलाइनस के नाल मैं पनीत कौर। अज दी खास खबर शुरू करने तो पहला पेश है अज का खालस विचार। जे वफादारियां पसंद ने तो फिर आप भी वफादार बनो। हुण पेश ने अज दी खास खबर। बलात्कारी के कातल डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम पांच होर समेत रणजीत कतल मामले में दोषी करार। डेरे का साबका मैनेजर सी रणजीत पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की की झाड़ चंब। क्या सारे मामले में राज सरकार का रवैया नहीं है तसली बख्श। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के घर क्राइम ब्रांच लखीमपुर खीर के इंचार्ज वालों आशीष मिश्रा बारे चिपकाया गया दूजा नोटिस। मेरा पुत बेकसूर अज पुलिस अगे होवेगा पेश। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा ने दिता बयान। लखीमपुर खीरी कांड मामले में किसी दबाव च नहीं की जाएगी कोई भी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिता बयान। यूके के संसद मैंबर यॉन मैकडोनल ने ट्वीट राही लखीमपुर खीरी में वापरी घटना उत्ते जताई चिंता। स्वतंत्र जांच की की मांग। लखीमपुर च पत्रकार रमन कश्यप के घर मौन वर्त ते बैठे नवजोत सिद्धू भुख हड़ताल भी की शुरू। दोषियों खिलाफ तुरंत कार्रवाई की की मांग। पीड़ितों का पता लैन लई लखीमपुर खीरी पहुंचे हरसिमरत कौर बादल समेत अकाली दल का वफद। जे 7 दिन च लखीमपुर के दोषी गिरफ्तार ना किए गए तो मोदी के घर का करांगे घिराओ। आजाद समाज पार्टी के मुखी चंद्रशेखर आजाद ने किया दावा। लखीमपुर घटना तो कांग्रेस को कुछ भी हासिल नहीं होना। चोन रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस उत्ते कसिया निशाना। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने पंजाब कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू ते कसिया निशाना। क्या कांग्रेस के प्रधान के मन में मुख्यमंत्री प्रति नहीं है इज्जत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने विवादग्रस्त डांगा चुको बयान नूं लिया वापस। हर पासे तो हो रही थी आलोचना। कश्मीर में दो अध्यापकों की मौत के विरोध में सड़कों उत्ते उतरे सिखां दे काफले। सुरक्षा एजेंसियों नूं 3 महीने पहला ही लग गई सी अजिहियां वारदातों की सूह। तथ आया सामने। गुजरात तो बरामद हुई 3000 किलो हैरोइन दियां तारां। अमृतसर के मशहूर ड्रग केस के दोषी अते साबका अकाली लीडर अनवर मसीह नाल जुड़ियां। चंडीगढ़ के सैक्टर 16 के एक सरकारी हस्पताल के बाहर कोरोना वॉरियर्स वालों किया गया प्रदर्शन। हस्पताल प्रशासन के लाए बिना अल्टीमेटम दित्या नौकरी तो कढ़िया दे दोष। कोरोना महामारी दौरान कॉन्ट्रैक्ट ते रखे गए सी मुलाजम। सुप्रीम कोर्ट कोलिजन ने पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट में स्थाई जजा वजो 10 वधीक जजा की नियुक्ति नूं दित्ती मंजूरी। मलोट नेड़े पिंड कोल्यांवाली विच किसान रणजीत सिंह ने आर्थिक तंगी कारण सरपास निकल के की खुदकुशी। ट्रांसपोर्ट विभाग ने जिला फिरोजपुर विच बिना टैक्स तो चल रही प्राइवेट कंपनियां दियां 5 होर बसां कीतियां जब्त। 15 नवंबर तो होवेगी विदेशी सैलानियों की भारत एंट्री। चार्टर्ड उड़ाना लई वीजा 15 अक्तूबर तो। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी खारिज। जेल में ही रहना पवेगा। पेट्रोल 30 पैसे ते डीजल 35 पैसे प्रति लीटर होया महंगा। टाटा सन्स ने सरकारी हवाई कंपनी एयर इंडिया नू हासिल करने की जीती बोली। टाटा सन्स ने एयर इंडिया की 18,000 करोड़ रुपए की लाई सी जेतू बोली। रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेन देन उत्साहित करने लई IMPS की हद वधा के 5 लाख रुपए की। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सैक्टर च भारतीय ते चीनी फौजां हुई आमो सामने। मेघालय कैबिनेट ने शहर के थीम इव मावलोंग खेतर विच पंजाबी लेन विच गैर कानूनी तौर उत्ते रह रहे लोगों के मुड़ वसेबे का किया फैसला। अफगानिस्तान के कुंदूज सूबे में एक शिया मस्जिद उत्ते किया गया जानलेवा हमला। करीब 50 लोगों की मौत होने का दावा। 50 लोग हुए जख्मी। फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा अते रूस की दिमित्री मुरातोव नू शांति का नोबल पुरस्कार देने का किया गया ऐलान। अमरीकी पनडुब्बी दक्षिणी चीन सागर च अनजान वस्तु नाल टकराई 15 नौसैनिक हुए जख्मी।
जे भारतीय आईसीसी की फंडिंग रोक देवे तो बर्बाद हो सकता है पीसीबी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रधान रमीज राजा ने किया दावा। हेडलाइंस देखने वाले सारे दर्शकों का धन्यवाद।